In the name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful. Dear students, welcome to part 7 of Hitchhiking Across the Sahara Desert. So let's start with part 7. Seventh part, dear student, hamara shuru ho raha hai. When they reached, ye hum yahan pe isko highlight kar lete hain. Okay, so when they reached it just before the hottest part of the day, they found that this too, like the previous hole, was completely dried. तो part 6 में हमने जहाँ पे ख़त्म किया था वो ये part था कि उनके पास पानी ख़त्म हो चुका था, सिर्फ they had enough water to make a cup of tea. Clear? So सिर्फ चाय का कप बनाने के लिए. और अब अगला जो पानी था वो हमने पीछे पड़ा है कि वो 5 hours distance पे था. Clear? So जब वो 5 घंटे के बाद उस जगह पे पहुँचे, they reached it. Clear? सो 5 घंटे लगे पानी ढूंढने में. सो जस्ट बिफोर द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे. क्लियर? यानी दिन का हॉटेस्ट पार्ट, यानी 12 से 2 बजे तक. सो दे फाउंड दैट दिस टू लाइक द प्रीवियस होल वॉज कम्प्लीटली ड्राई. ये भी पिछले होल की तरह मुकम्मल तौर पर क्या हो गया था? खुश्क हो गया था. ओके सो अब क्या था कि द नेक्स्ट वाटर होल वॉज 2 days अवे. क्लियर? सो अगला जो उनके पास जो वाटर, पानी का जो कुआं था वो मैप पर, वो 2 दिन की मुसाफर पे था. एंड ट्रेवलर्स नाउ हैड नीदर फूड नॉर वाटर. अब उनके पास 2 चीज़ें नायाब हो गई थी, पानी एक और दूसरा खाना. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब द फ्यूचर लुक ग्रिम. अब फ्यूचर जो ग्रिम था, यानी डायर था, ग्रेव था. क्लियर? सो हॉरिबल था. सो देयर वॉज जस्ट 1 चांस ऑफ सर्वाइवल. अब बचने का एक ही तरीका था, यानी या तो ये भूख से मरेंगे या प्यास से. तो सहरा में प्यास जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है. सो देयर वॉज जस्ट 1 चांस ऑफ सर्वाइवल. अब बचने का सिर्फ एक ही एक क्या था? इम्कान था. 1 of the 6 animals could be killed. अब उनके पास 6 animals यानी कैमल्स थे, और उनमें से एक को ज़बा किया जाना था, स्लॉटर्ड. ओके सो द डिसीजन वॉज मेड क्रिस्टोफर बींग आस्ट टू पे. अच्छा, डिसीजन फैसला हो गया और क्रिस्टोफर से कहा गया कि पे करो भाई, हिज शेयर ऑफ द कॉस्ट. क्लियर? कि अपने हिस्से की कीमत अदा करें. टू विच ही विलिंगली अग्रीड, जिस पर वो बखुशी रजामंद हो गया. स्ट्रेंजली इनफ, बड़ी हैरत की बात है, एज सून एज द केमल वॉज पिक्ड फॉर स्लॉटर, जैसे ही ज़बा करने के लिए, क्लियर, स्ले स्लॉटर, स्लॉटर या स्लॉटर, स्लॉटर स्लॉटर्ड जो होता है वो ज़बा करना होता है. इट सीम्ड टू नो. क्लियर? ऐसे लगा कि ऊंट को पता चल गया था व्हाट वाज टू हैपन, कि होने क्या लगा. एंड स्टार्टेड स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और अपनी पूरी आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से चीखने पुकारने लगा ऊंट. तो स्टूडेंट याद रखो, यहाँ पर पता चलता है कि जानवरों में भी शऊर है. क्लियर? सो नेक्स्ट, व्हेन द विक्टिम वॉज किल्ड, जब उस विक्टिम को यानी कैमल को ज़बह किया गया, द लिक्विड इन इट्स स्टमक वॉज कॉट इन अ वाटर बैग. उसके मैदे में मौजूद जो पानी था, लिक्विड यानी वाटर था, बाय द स्लेव, तो एक गुलाम ने उसको कलेक्ट कर लिया. इट वुड बी हार्ड टू थिंक ऑफ लेस एपिटाइजिंग ड्रिंक. ओके, इस एपिटाइजिंग होता है इश्तहांगेज, जिससे आपकी भूख बढ़ जाए. सो ये ऐसा नहीं था जिससे आपकी इश्तहा बढ़ जाती. क्लियर? सो ये इतनी स्मेल थी इसमें कि आपकी भूख बल्कि मर सकती थी. ड्रिंक था, देन द ग्रीनिश फ्लूड, ये सब्जी माइल फ्लूड यानी सयाल था. कोई भी जो लिक्विड चीज़ होती है उसे सयाल, फ्लूड, फ्लूड्स जो होते हैं उसे उर्दू में कहते हैं सयाल मादे. सो लाइक थिन ब्लड, पतले खून की तरह था, प्रोड्यूस्ड फ्राम दिस सोर्स, जो कि ऐसे ज़राए से हासिल किया गया था. दिस सोर्स कौन सा ज़राए, ज़रिया है? कैमल का स्टमक. ओके, अब आगे देखें. इवन द टोरेग्स मेड फेसिस एज दे ड्रैंक, तोरेगियों ने, हत्ता के जो कारवान में जा रहे थे, उन्होंने भी इसे पीते वक्त तरह तरह के चेहरे, शक्लें बनाई, यानी नापसंदीदगी का इजहार किया. इवन नेक्स्ट, क्रिस्टोफर कुड नॉट टैकल इट, क्रिस्टोफर जो है इसको संभाल ना पाया, हैंडल ना कर पाया, यानी इसे बर्दाश्त ना कर सका. पार्च्ड दो ही वॉज, अगरचे वो भुना हुआ था. अब भुने हुए की इंग्लिश स्टूडेंट पार्च, जैसे आप किसे भुने हुए चने, तो पार्च्ड ग्राम्स होगा. ओके सो अगरचे वो प्यास से भुना हुआ था, अनटिल ही हैड बॉयल्ड इट, यहाँ तक उसने जब तक उबाल ना लिया. एंड इवन देन ही हैड टू होल्ड हिज नोज वाइल ही ड्रैंक इट, उबालने के बावजूद भी उसने नाक को पकड़ा जैसे वो कड़वी दवाई पी रहा हो. तो इस तरह से उसने कैमल के स्टमक का पानी पिया और अपनी प्यास को बुझाया. सम हाउ, किसी ना किसी तरह, एक्सक्यूज मी, जैसे भी हो सका, ही गॉट इट डाउन, उसने इसे जेरे हलक कर लिया, यानी इस पानी को
पी गया। टुगेदर विद कैमल्स फ्लैश और ऊंट का गोश्त भी खाया, द अनएपिटाइजिंग लिक्विड कैप देम गोइंग फॉर अनदर टू डेज। क्लियर। तो ताहम उस जो ऊंट के जो अनएपिटाइजिंग जो गैर इश्तहांगेज लिक्विड सयाल मादा था उसने उन्हें कुछ दिनों तक और टू डेज दो दिनों तक ये अपने याद रखना है कितने साल तक टू डेज तक। क्लियर। उन्हें जारी रखा। नेक्स्ट द रीजन वो रीजन जो इलाका था थ्रू विच देवर पासिंग जहाँ से गुजर रहे थे वॉज नोन एज द लैंड ऑफ थर्स्ट एंड डेथ वो प्यास और मौत की वादी थी एंड द नेम वॉज वेल चोजन और क्या खूब नाम रखा गया था। इट वॉज एन एरिया ये एक ऐसा इलाका था नोटोरियस जो गुमनाम था। स्टूडेंट्स जो बंदा बड़ा सारे लोग उसे जानते हो बड़ा मशहूर हो लेकिन बुरी वजह से वो नोटोरियस होता है, अगर अच्छी वजह से है तो फेमस है। गॉट इट। फॉर सैंड स्टॉर्म्स एज वेल एज फॉर ड्राइड अप वाटर होल्स तो ये इलाका जो था रेत के तूफ़ानों के लिए। अब डेथ ऑफ वैली पे अगर आ जाए कि नोट लिखो तो आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, तो आपने लिखना है इट वॉज नोटोरियस फॉर सैंड स्टॉर्म्स एज वेल एज ड्राइड अप वाटर होल्स और पानी के कुएँ भी यहाँ पे खुश थे और रेत के तूफान जालिम किस्म के आते थे। और अब आप देखें आगे चल के क्या होता है कि क्रिस्टोफर सून एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ देम उनमें से एक का उसने सामना किया उन किन में से स्टॉर्म्स में से। क्लियर। सो अभी देखना स्टॉर्म में से किस ओके एक स्टॉर्म का तूफान का जो सामना है वो कैसे करते हैं। सो हुआ क्या कि शॉर्टली जल्द ही आफ्टर द मिड डे स्टॉप ऑन द फॉलोइंग डे अगले दिन जब मिड डे स्टॉप दोपहर के वस्तुनिहार को उन्होंने क़याम किया द कैमल्स ऑल इंस्टिंक्टिवली यानी नेचुरली तमाम ऊँटों ने टर्नड ऑफ देयर कोर्स टू द राइट वो दाएं मुड़ गए मेकिंग फॉर सीधा गए मेक फॉर होता है रवाना होना गो टू। क्लियर। द नियरेस्ट डिप्रेशन यानी केविटी जो डिप्रेशन क्या कि केविटी यानी जो ज़मीन का जेरी नशेबी इलाका था वहाँ पर चले गए। गॉट इट। सो इन द वेस्ट ऑफ सैंड उस बयाबाने में जहाँ पे उन्हें पता चला कि यहाँ पे लेट से रेत का टीला है तो उसके पीछे नशेबी इलाका है तो यहाँ पे वो ऊँट छुप गए ताकि ये जो माउंट था रेत का टीला माउंट है उसकी जो दीवार बन सके रेत का तूफान आगे से आ रहा है। गॉट इट। सो वहाँ पे चले गए तो फिर क्या हुआ द रीज़न प्रेजेंटली बिकेम क्लियर जल्द ही ये वजह जो जाहिर हो गई टू क्रिस्टोफर एज ही गेज्ड एट द होराइज़न यानी जैसे ही उसने आफाक की तरफ देखा उफक की तरफ यानी स्काईलाइन की तरफ देखा तो उसे वजह समझ आ गई क्योंकि तूफ़ान आ चुका था और वह तूफ़ान भी कैसा था इट वॉज इनक्रेडिबल ये अनबिलीवेबल था द ड्यून्स सीम टू बी ऑन फायर रेत के जो टीले थे लग रहा था कि इन्हें आग लगी हुई है। क्लियर यानी इतने गर्म थे वर बर्निंग हॉट स्केल्डिंग हॉट स्कॉर्चिंग हॉट द पीक्स वर मेल्टिंग अवे चोटियाँ पिघलने लगी यानी हवा से एंड द होल होराइजन वॉज चेंजिंग शेप और पूरा आफाक जो था आफाक आलम अपनी हियत बदल रहा था शक्ल बदल रहा था हुलिया बदल रहा था। देन इट स्टार्टेड एज इट स्टार्टेड टू गेट डार्क जूँ ही तूफान की वजह से तारीकी छाना शुरू हुई तो राइटर कहता है आई हर्ड अ साउंड लाइक विंड ब्लोइंग थ्रू द लीव्स ऑफ ट्रीज ऐसे लगा देखो वहाँ पे ट्रीज नहीं है ना ही लीव्स हैं तो रेत की हवा ऐसे थी जैसे दरख्तों के अंदर से दरख्तों के पत्तों से हवा गुजर रही हो। सो उसके बाद क्या होता है देन ओके हिज कंपेनियंस मेड साइंस उसके दोस्तों ने उसे इशारे किए फॉर हिम उसे टू हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड हिज कैमल कि वो अपने आप को ऊँट के पीछे छुपा ले एंड कवर हिज हेड और अपना सर जो है वो ढांप ले। ओके सो ही डिड सो उसने ऐसा ही किया ऊँट के पीछे छुप गया ऊँट की दीवार बना ली। क्लियर। सो ऊँट की ऊँट को टटी बनाकर उसके पीछे छुप गया ओके पर्दा बनाकर बट द फोर्स ओके द फोर्स ऑफ द स्टॉर्म तूफान की जो ताकत थी कुवत थी व्हेन इट स्ट्रक वाज टू ग्रेट टू बी अवॉइडेड तो वो इतनी ज़्यादा थी ताकत तूफान की किससे बचा नहीं जा सकता था इवन विद द कैमल्स बॉडी एज अ शील्ड हत्ता कि ऊँट के जिस्म को उसने एक शील्ड यानी उसको क्या बना लिया ढाल बनाया आई कुड फील द इम्पैक्ट ऑफ द वॉल ऑफ सैंड दैट केम स्ट्रीमिंग अलॉन्ग द अर्थ तो उस रेत की दीवार जो ज़मीन पर पूरी की पूरी चलती आ रही थी क्लियर उसको महसूस कर सकता था द विंड फाउंड इवन द स्मॉलेस्ट ओपनिंग इन माई क्लोथ्स हवा ने मेरे कपड़ों में छोटे से छोटे सुराख भी ढूंढ कर अंदर घुस जाती एंड द सैंड फेल्ट लाइक लिटल नीडल्स और रेत ऐसे लगती जैसे छोटी सुइयां। थैंक यू वेरी मच दैट्स द एंड ऑफ पार्ट 7।